बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्यूटीफुल टूरिस्ट पॉइंट के काबिल कदर नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे आप लोगों को पता है, हम कहीं ना कहीं जाके आप लोगों को ख़ास मकामात के सैर कराते हैं। आज भी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ मक्का मुकरमा के पहाड़, मक्का सिटी के इर्द गिर्द के पहाड़ कैसे हैं आप लोगों को मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए, ये पहाड़ है, ये मैं रोड से जा रहा हूँ। ये मेन रोड से मैं जा रहा हूँ। ये पहाड़ है, बिल्कुल खुश्क पहाड़ है, इसमें कुछ भी नहीं है, सब्जा नहीं है, कोई ग्रीनरी नहीं है, ये पत्थर है। जद्दा रोड है, जद्दा की तरफ जा रही है, और वो मक्का टावर भी आप लोगों को नज़र आ रहा है, बिल्कुल हम शरीर के सामने ही है। अब ये पहाड़ी से मैं नीचे जाऊंगा, एक छोटा सा बाज़ार है, बाज़ार की तरफ मैं किस तरह जाते हैं हम इस पहाड़ी को करके। नीचे एक बाज़ार के लिए जाने के लिए ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी को इस तरह पहाड़ों का वो ट्रैक समझो, ट्रैक को हम पार करके ऊपर आते हैं, फिर पार करके नीचे जाते हैं, क्योंकि हमारी रिहाइश ऊपर है, पहाड़ी के ऊपर ही है। और ये बहुत ही सख्त पत्थर है, ये मक्का सिटी के बिल्कुल साइड पे पहाड़ है, मतलब इस पहाड़ के ऊपर कोई ग्रीनरी, कोई सब्जा आप लोगों को नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल खुश्क पहाड़ है। अभी मैं एक छोटे बाज़ार की तरफ जा रहा हूँ, ये रास्ता है छोटा सा, पर काफ़ी आवाम लोग रहते हैं, सारे लोग यही रास्ता पैदल के लिए, चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं नीचे आने के लिए बाज़ार के लिए, लेकिन गाड़ी का रास्ता भी है दूसरे साइड पर। ये लोग आ रहे हैं बाज़ार से, कोई सौदे शौदा लेके आ रहे हैं। तो ये खुश्क घास है, अभी आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। ये मेन रोड की तरफ मैं जा रहा हूँ, रोड के साथ एक छोटा सा बाज़ार है, वो मक्का सिटी है, ये पहाड़ी है, पहाड़ है। आबादी है यहाँ पर, फ्लैट से फ्लैट्स में लोग रहते हैं। ये रोड के साथ भी रिहायश गाह हैं, कंपनियों के वर्कर यहाँ पर रहते हैं। ऊपर रिहायश गाह से नीचे बाज़ार तक 10 मिनट का फासला है, अभी बस इंशाल्लाह पहुँच गया मैं, इधर पहुँचने वाला हूँ, ये पहुंच गए। ये लोग बाजार की तरफ जा रहे हैं, ये एक छोटा सा मस्जिद है बाजार के साथ, ये एक कबूतर जहां भी जाएंगे आप लोगों को नजर आ जाएंगे। ये बाजार में मैं इंटर हो गया हूँ, बाजार में मैं इंटर हो गया हूँ। ये मक्का सिटी से मैं शहर से पूछता हूँ, कोई ऐसा सिम दे दे जो ख़त्म ना हो, बिल्कुल ख़त्म ना हो। ये शॉप्स हैं, मैं अभी जा रहा हूँ सिम के शॉप के अंदर, जो कि मुझे सिम चाहिए। तो तब तक आप लोग रेस्ट कर लीजिए।